तो दांतों में क्या है भाई साहब? दांतों में भाई साहब दो है, 16 लीटर दूध आज इसमें तैयार है। 16 लीटर जो दूध है मौके पे तैयार है। तो कौन से बुल की है? ये है बिरला की भाई, करमबीर सुनारिया का है ना। अच्छा अच्छा, बिरला बुल है। दादी इसकी पार्वती होगी भाई साहब। अच्छा, दादी इसकी पार्वती जी। इसकी मदर है कौन सी है भाई साहब? मदर इसकी अखड़ी भाई। अच्छा, इसकी मदर ये है, कटड़ी है कोहिनूर की। अच्छा, कोहिनूर की कटड़ी है। ब्लड लाइन इसकी अच्छी होगी। जैसे बिरला तो हो गया पार्वती का, ये होगी कोहिनूर की। अच्छा अच्छा, वो वैसे ऐसी वैसे थी जो नेशनल मेलों में जी आपस में लड़िया करती कंपटीशन में, कदे वो फर्स्ट होया करती कदे वो फर्स्ट होया। अच्छा अच्छा, 6 महीने की कंप्लीट प्रेग्नेंट होगी। अच्छा, आज इसमें 9-10 किलो काटे का दूध तैयार है। अच्छा अच्छा, कितना दूध रिकॉर्ड है इसका? इसका एक बार तो है 20 किलो दूध। अच्छा, और एक बार है इसका 22 किलो 717 ग्राम। अच्छा, और एक बार इसका अब की बार रिकॉर्ड है 22 किलो 95 ग्राम जी। ये नाग का है, इसकी उम्र होगी 8 महीने। 8 महीने बुल है जो किसी ने घर नहीं तुलवा रखे, वो तो मेलों के चैंपियन उनकी मार रही है, चैंपियन बुल है। नमस्कार पशुपालक साथियों, सभी पशुपालक भाइयों का स्वागत है जी जय सिंह यादव डेयरी फार्म पे। आज की वीडियो लेकर कह रहे हैं जी रेवाड़ी जिले से, और आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। बहुत ही शानदार जो पशुधन भाई ने रखे हैं, ब्रीडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, कौन सा पशुधन जो बिक्री के लिए है पूरी जानकारी वीडियो में देंगे। ऐसा जो पशुधन है क्या डाइट जो खिला करके इतना अच्छा जो पशुधन तैयार कर रहे हैं पूरी जानकारी लेंगे। इससे पहले जो भी पशुपालक भाई पहली बार वीडियो को देख पा रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन घंटी को जरूर दबा लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आप भाइयों तक पहुँच सके। मिलते हैं पशुपालक से। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। और जी क्या हालचाल है? बहुत बढ़िया भाई साहब। पूरा एड्रेस बताइए भाई साहब अपना। भाई साहब गांव नांगलमुंदी है। अच्छा, जिला रेवाड़ी। नांगलमुंदी, नांगलमुंदी जी, जिला रेवाड़ी। जिला रेवाड़ी। तहसील कौन सी लगा भाई साहब? तहसील भाई साहब ढहीना लगती है। ढहीना। तो जो एक नंबर पे जो हट्टी है भाई साहब, क्या कुछ डिटेल है? दांतों से कितनी है, कितनी उम्र होगी इसकी? भाई उम्र होगी जय सिंह भाई साहब 2 अक्टूबर का जन्म है इसका। 2 अक्टूबर सन संतो ध्यान नहीं, मैं वैसे महीने में बता दूं आपको। अच्छा अच्छा, हाँ जी। ये हो जाएगी अब 2 तारीख ने 33 महीने की हो जाएगी। 2 तारीख को 33 महीने की, 33 महीने की हो जाएगी। अच्छा अच्छा, हाँ। तो मतलब 2 साल और लगा लो आप ये 9 महीने की। 2 साल 9 महीने की होगी। तो दांतों में क्या है भाई साहब? दांतों में भाई साहब दो है। दो है, चेक करा दो एक बार। बहुत ही हाइट लेंथ का जो पशुधन है भाई, और मुंह से 2 दांत है। कोई ना, आराम से करो। जा जा, ये देखो भाई साहब, जा दिख रहे हो जी? जी जी जी, ये देखे जी, ओरिजिनल 2 दांत है जी, ये देख पा रहे हैं। इतनी हाइट लेंथ का जो पशुधन है जी बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो थोड़ा इधर करें, करियो भाई साहब इसको। चल भाई चल फ्रेंड, जो इसका ऑर्डर है वो दिखा देते हैं भाई। लगभग 4 बजे के आसपास जो वीडियो कवर कर रहे हैं। बहुत ही शानदार और बिल्कुल छोटा सींग लिए हुए है। और कितने दिन की ब्याई होगी भाई साहब? भाई ये दिन होगी 36 दिन की ब्याई होगी आज। 36 दिन की ब्याई होगी जी। मौके पे दूध कितना है? मौके पे इसका 16 लीटर दूध आज इसमें तैयार है। 16 लीटर जो दूध है मौके पे तैयार है। ये देखे जी, सवेरे किस टाइम चुवाई हुई थी भाई? 6 बजे तो चुवाई करा करा भाई। 6 बजे डेली का रूटीन है, 6 बजे का। तो लगभग 2-2.5 घंटे का टाइम बाकी है। हाँ बिल्कुल आराम से। तो कौन से बुल की है? ये है बिरला की भाई, करमबीर सुनारिया का है ना। अच्छा अच्छा, बिरला बुल। दादी इसकी पार्वती होगी भाई साहब। अच्छा, दादी इसकी पार्वती जी। बहुत ही अच्छा जो पशुधन तैयार किया भाई ने। तो डाइट है वो भी पूछेंगे। तो 16 लीटर दूध मौके पे तैयार है, पे तैयार है भाई। तो इसकी मदर है कौन सी है भाई साहब? मदर इसकी अखड़ी भाई। अच्छा, इसकी मदर ये है। हाँ जी भाई साहब जी। तो इसके साथ में कटड़ी है कोहिनूर की। अच्छा, कोहिनूर की कटड़ी है। हाँ जी। 33 दिन की, 36 दिन की? ये 36 दिन की होगी भाई। 36 दिन की जो कटड़ी है आप देख पा रहे हैं ये कोहिनूर की है। कोहिनूर की भाई साहब। जी जी जी। ब्लड लाइन इसकी अच्छी होगी। हाँ। जैसे बिरला तो हो गया पार्वती का। हाँ। ये होगी कोहिनूर की। अच्छा अच्छा, वो वैसे ऐसी वैसे थी जो नेशनल मेलों में जी जी आपस में लड़िया करती कॉम्पिटिशन में, कदे वो फर्स्ट होया करती कदे वो फर्स्ट होया। अच्छा अच्छा जी। अपनी सबसे पहले मुहिम यही है, जब हम तो देखने लगे थे 2017-18 की बात है ये तो, की पहले तो जैसे बिरला आ गया, पार्वती की ब्लड लाइन आ गई, ये दन्नो की ब्लड लाइन आ गई जी। अब इन्हीं में से ही ब्लड लाइन निकाल देंगे अपन लाडो या गंगा की। अच्छा अच्छा, हाँ जी। तो इसकी मदर ये है? इसकी मदर ये भाई जी। कौन सा ब्यात में है या? ये भाई साहब अब 7वें ब्यात बच्चा देना है, 6 महीने की कम्प्लीट प्रेगनेंट होगी। अच्छा, आज इसमें 9-10 किलो काटे का दूध तैयार है। अच्छा अच्छा, कितना दूध रिकॉर्ड है इसका? इसका एक बार तो है 20 किलो दूध। अच्छा, और एक बार है इसका 22 किलो 717 ग्राम। अच्छा, और एक बार इसका अब की बार रिकॉर्ड है 22 किलो
95 ग्राम जी हाँ, तीन बार रिकॉर्ड करवा चुके हैं। आई कैपेसिटी कितना है जी इसका? ये 23 तक चली जाती है भाई साहब, 23 तक चली जाती है। भाई साहब इसमें झूठ बोलने की कोई बात नहीं है, काटा हमने वही रखा इसका। अच्छा, मतलब 22 किलो 717 ग्राम ही हमने इसका काटा करके देखा मैंने उसका। हाँ। तो एक थन में दिक्कत आ रही इसको? एक थन इसका ब्लॉक हो गया था भाई साहब पहले ब्यात में। अच्छा, कुछ भाइयों को डाउट था, जैसे इसका बुलेक पहले हमने बेचा था 2022 में। अच्छा, 17 महीने का करडा दिया था, 300 बुलेट LDB का है। अच्छा, उसका बच्चा था जी जी, 1,80,000 रुपए का सेल किया था। ये तीन थनों में कितना दूध रिकॉर्ड करवाया इसका? इसने 22 किलो ये जब भी जितना रिकॉर्ड करवाया तीन थनों से ही करवाया, तीन थनों से ही करवाया, तीन थनों से ही जी जो रिकॉर्ड हो गया तीन थोड़ा सही हुआ। हाँ हाँ हाँ। जी जी जी। और एक इसका कटड़ा है, जैसे इस कटड़ी से छोटा है वो बुल है। अच्छा, इसका बेटा, इसका बेटा, इस दोटी का भाई। हरियाणा में कोई ऐसा पशुपालक होगा जो बुल बेचते वक्त ये दिखाता होगा कि ये इसकी माँ है, इसकी बहन है। हमें अगर भाई मिलकर वीडियो आई है, मदर दिखा देते लेकिन बहन नहीं दिखाते, बहन नहीं दिखाते जी। बहन मदर भी दिखा देंगे लेकिन बहन फिर अलग फादर की मिलेगी, अलग फादर की। ये दोनों सेम फादर की है जी। अच्छा, सेम फादर की, सेम फादर की है। तो ये जो कटड़ा है ये भी बिरला का भाई, बिरला का है, बिरला का बिल्कुल जी। इसकी कितनी उम्र होगी? इसकी उम्र होगी भाई साहब अभी ये हो जाए 20 महीने का हो गया भाई जी। अच्छा, 20 महीने का हो गया। हाँ 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 जी, बिरला बुल का बेटा है। मतलब ये आप देख पा रहे हैं जो एक नंबर पे जोटी थी वो इसकी बहन थी, और ये जो टेस्टिकल है वो आप देख पा रहे हैं जी। और ये थोड़ा सा इसका पुंजड़ के जो बाल है वो मैंने बिल्कुल पुंजड़ इसका गंजा कर दिया था, इसके चिचड़ कलीले इतने भारी हो गए थे। अच्छा, बहुत भारी जी। हाँ, और ये कटला है, ये नाग का है भाई साहब, ये नाग का है। इसकी उम्र होगी 8 महीने। 8 महीने। हाँ, ये भैंस ऐसी है जिसने 12 महीने के अंदर अंदर बच्चा देना ही देना है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो ये मेरे पास इसने 4 बार मेरे पास बच्चा दे लिया। इसमें थोड़ा चामरापन में आ रहा है भाई साहब, ये चामरापन ये है, बांधने की जगह नहीं है। अच्छा। बाहर 3 खुट्टे हैं भाई साहब, ये जब से ब्याह अंदर ही है। अच्छा। हाँ। तो इन दोनों कटड़े की माँ ये होगी। हाँ, अब चामरापन इसका सिर्फ एक हमारा पानी खा रहा है बिल्कुल। अच्छा, वो जो कटड़ी खड़ी आपके सामने बिल्कुल ब्लैक है। हाँ हाँ, वो भी ऐसे ही होगी थी, क्योंकि ये जुड़ूंग है ना इनका, ऐसा होता है चमड़ी देखो बिल्कुल ब्लैक। एक बार उतरने के बाद में दोबारा बिल्कुल साफ हो जाएगी बिल्कुल। तो इतना अच्छा पशुधन आप तैयार कर रहे हो भाई, काफी भाई कमेंट करते हैं पशुधन कैसे तैयार करें, तो डाइट प्लान में क्या दे भाई? खेती अपने पास हर जगह होती है। हाँ हाँ। तो उसमें जब तक बढ़िया बीज नहीं डालोगे ना तो खेती वो फिर खेती नहीं समझी जी बिल्कुल। हाँ जी, खर्चा तो ब्रीडिंग में बहुत है, जब दाना महंगा होता है तो दूध लेने वाले तो दूध का रेट तो देते नहीं है जी, लेकिन किसान को रोना पड़ जाता है भाई। अच्छा अच्छा। हाँ, ये कड़वी सच्चाई है जी। तो क्या दाने में क्या दे रहे हो? दाने में खड़ खन्ना, खंडा ये चने का, और चने की चूरी, गेहूं का दलिया। चने की चूरी, चने का खंडा, गेहूं का दलिया, और बिंदोले की खड़, बड़ी मियां की खड़ जी। और इससे अलग कोई प्रोडक्ट इसको दे रहे हो? कोई भाई या कुछ? इस भैंस को प्रॉब्लम थी, इसका रूमन में दिक्कत थी। अच्छा। हाँ जी, भगवान ने चाहिए तो अब की बार और अच्छा दूध शायद लाइव मिल्किंग में बिल्कुल करवाएंगे, इसकी भी अच्छा दूध दिखाए, क्योंकि आपके सामने भैंस ने गोबर किया, इसका ना साबुतदाना आता है इसमें। अच्छा। दिक्कत ये है भैंस जुगाली बहुत कम करती है, जुगाली कम करती थी। तो मैंने राजू भाई साहब से कॉन्टेक्ट करके आपसे वो मैंने दवाई मंगाई थी जी, तो मैंने इसको 3-4 लीटर दी है, तो मेरे को लगभग 50% इसका रिजल्ट मिला है। 50% रिजल्ट मिला है। जो संजय चौटाला भाई जो दवाई बनाते हैं, क्या नाम उसका? कराटे के नाम से, कराटे नाम से जो दवाई बनाते हैं वो आपने 3-4 लीटर ही पिलाई है। हाँ। तो 50% आप भाइयों को रिजल्ट मिला है। मिला है जी, जो भी बातें हो जी साफ साफ करते हैं। देखो मेरी बात सुनो जी, जी किसान को भ्रमित करने वाली तो कोई बात नहीं है। ये देखो वीडियो है ना, काफी पशुपालक देखेंगे, जितने भी भाई देखे है वो ही बताना भाई। मैं भी आपको ये बात कहूंगा कि संजय भाई अब दवाई की डिलीवरी कर रहे हैं जैसे, भाई ये ही प्रोडक्ट बनाए रखे तो हो सकता है जमींदार बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा जी जी, क्योंकि आजकल प्राइवेट लॉकडाउन के बाद 4 गुना रेट से बढ़ गए दवाइयों के जी जी। हाँ। तो कर पे लीटर मिली आपको ये? मिली भाई साहब 300 रुपए लीटर, 300 रुपए लीटर मिली जी। तो इनमें से बिक्री के लिए कौन सा पशु? बिक्री के लिए दोनों बच्चे तो सेल कर देंगे भाई साहब, ये जो कटड़े हैं, ये कटड़े हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, एक बार फिर सुन लीजिए जी, इसकी दादी होगी पार्वती, बाप हो गया बिरला। अच्छा। इसका फादर हो गया नाग, नाग जो सिकंदर का बेटा है, रानी और धन्नो दोनों की ब्लड लाइन से ही। अच्छा अच्छा। हाँ जी ठीक है। और मदर ये होगी? मदर ये होगी भाई जी, जिसने 3 बार LDB रिकॉर्ड करवा रखा। तो कोई भाई अपने देखो ब्रीड के लिए ये जो कटड़े हैं इनमें से कोई सा भी कटड़ा अगर लेना चाहता है या पंचायत के लिए भी लेना चाहते हैं तो भाई से संपर्क कर सकते हैं। तो इसका मोल भाव आप बताएंगे या ना, ना, मौके पे करेंगे? मौके पे करेंगे। और गणेश ही अपन है, इतनी वो भी नहीं है कि अभी बेचने हैं। हाँ, एक कटड़े अच्छी तरह तैयार हो जाएंगे फिर दे देंगे जी जी जी। हाँ, क्योंकि ये अब 8 तारीख आएगी ना, 8
तारीख को ये 21 महीने का हो जाएगा, मतलब हर बच्चे में इसके में 12 महीने का अंतर है। तीन में से आप सेल करना किनको पसंद करेंगे या कोई भाई मतलब, कटड़े तो दोनों दे देंगे, दे दोगे आप या तो एक तो पंचायत को देना उचित समझो, पंचायत तो भाई कोई भी आ जाओ। अच्छा, पंचायत की तो शर्त एक रहेगी कि कोई क्वाडियर जेली मान की कोई आबरता हो, भाई इनसे बचा लेंगे तो ले जाओ, नहीं तो हम पंचायत को तो फिर भाई। अच्छा अच्छा, रेट भाव का ऐसा है, पंचायत के 10 आदमी आ जाओ, जो मुट्ठी बेच के दे दे वो दे दे, जो मुट्ठी बेच के देंगे जितना क्राउन को लगे उतने दे दो, और ऐसी पंचायत जिसको ग्रिड का नॉलेज हो। अच्छा अच्छा, हाँ जी जी, तो अच्छी सेवा हो इन बुलों की तो आप सेल करोगे। देखो भाई साहब, पब्लिक ने तो उस टाइम तो सोशल मीडिया का जमाना था नहीं, इस बैच की मां अभी 3,90,000 रुपए की बिके गई थी जी, इस बैच की मां जी 3,90,000 की, उसमें भी 25-26 लीटर दूध था, 25-26 लीटर दूध था, तो दूध लाइन की लाइन होगी, लाइन की है। ये बैस निकली थी इसकी माँ, और ये खेड़ी गांव है, खेड़ी खातीवास दादरी का, जंजरवाड़ा नहीं, दादरी वाला, दादरी से फिर ये रोहतक गए, रोहतक से फरुखनगर गए, फरुखनगर से अपने पास आए जी। तो कोई भी पंचायत अगर लेना चाहती है भाई ब्रीडिंग के लिए तो ले सकते हैं, कोई भी भाई अपना संपर्क कर सकते, क्योंकि लाइन का ऐसा हो गया ना भाई साहब कि ये भी 25 प्लस वाली का हो गया, क्योंकि इसका एक थन डेड है तो शायद ही 25 से पार चली जाती है, ये तो सभी भाई समझदार है जी। और इसका फादर भी 25 से प्लस हो गया, वो बुल है जो किसी ने घर नहीं तुलवा रखे, वो तो मेड़ो के चैंपियन उनकी मार रही है, चैंपियन बुल है बिल्कुल जी। तो भाई का कॉन्टेक्ट नंबर चले जी, और किसी भाई को कराटे दवाई चाहिए तो वो ऊपर कोने में कॉन्टेक्ट नंबर चले जी, संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आगे शेयर जरूर कर दे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सभी पशुपालक भाइयों को नमस्कार जी।